औखा ही पैंदा पाना चाहिए लाग इधर सामने आयो बेटे सारे आ जाओ मैं हूं मज़हर अब्बास गोजीपुर पाकिस्तान हॉकी टीम। अभी जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग एशियन चैंपियन ट्रॉफी ढाका में खेल के आ रहे वापस आ रहे हैं। वहां पे हम लोगों ने सेमीफाइनल लूज किया कोरिया के गेम। तो मैं ये समझता हूं हमारा सेमीफाइनल हारने की जो वजह थी उसमें ये था कि हमारे मोस्टली प्लेयर्स ऐसे थे, 8 से 10 प्लेयर ऐसे थे जो जिन लोगों का फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल इवेंट का। तो उसमें यह कि एक बड़ा मैच था, प्रेशर वाला मैच था, जो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से हम लोगों ने वो मैच लूज़ किया। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उन बच्चों में बहुत टैलेंट है और इंशाल्लाह
आने वाले मैचेस में, आने वाले इवेंट में वो बच्चे इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी दोबारा फिर इंशाल्लाह उसी मुकाम पे आएगी कि जैसा पहले जिस मुकाम पे पाकिस्तान की हॉकी थी। तो ये इंडिया से मैच हारने की वजह मैं आपको ये बताता चलूँ कि इंडिया की टीम जो है इस वक्त वो दुनिया की तीसरे नंबर पर टीम है, और उसमें यह है कि वो अभी रिसेंटली ओलंपिक खेल के आ रहे थे, ओलंपिक में उन लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था और उन लोगों के पास इंटरनेशनल हॉकी का एक्सपोजर भी ज़्यादा था। और पाकिस्तान की हॉकी टीम जो कि आपको मालूम है कि पिछले 2 साल से कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेली, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लॉस था पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए। बाकी अगर इंडिया के अगेंस्ट आप मैच देखें तो हमारे उनसे मैच जो है वो बहुत अच्छे मैचेज हुए हैं, कोई इतना गोल का डिफरेंस नहीं था, हमारे लड़कों ने बड़ा अच्छा मतलब अपने गेम का मुजाहरा किया वहाँ पर।